स्थानांतरित नागरिकों द्वारा अपने गांव वापसी के लिए किए जा रहे प्रयासों के कारण भंडारा गोंदिया दोनों जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। आगामी जून व जुलाई माह में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा दूरदृष्टि रखकर नियोजन किए जाने का आह्वान सांसद सुनील मेंढे द्वारा विभागीय आयुक्त संजीव कुमार से भंडारा के शासकीय विश्राम गृह में की गई चर्चा के दौरान किया गया। इस समय पर अन्य राज्य एवं जिलों से आने वाले नागरिकों को क्वारंटाइन में रखने के लिए योग्य सुविधा मुहैया कराने, साथ ही जिन्हें स्वयं खर्च से किसी होटल में क्वारंटाइन होना है, इस प्रकार के नागरिकों के लिए योग्य दर में होटल उपलब्ध कराने के संबंध में भी चर्चा की गई। कोरोना लॉकडाउन के दौरान लड़खड़ाए विकास कार्यों को एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जारी घर को निर्माण कार्यों के लिए रेत की कमतरता दिखाई दे रही है, जिसके कारण शासन द्वारा जब्त की गई रेत को निश्चित किए गए दाम में मुहैया कर पर्यायी व्यवस्था किए जाने की सूचना सांसद द्वारा आयुक्त को दी गई। उक्त भेंट के दरमियान मनरेगा कुशल योजना के गत 2 वर्षों से प्रलंबित निधि भंडारा जिले के लिए 9 करोड़ रुपए व गोंदिया जिले के लिए 17 करोड़ रुपए का वितरण किए जाने की मांग सांसद मेंढे द्वारा की गई, जिसे आयुक्त द्वारा मान्य किए जाने की जानकारी सांसद मेंढे ने दी है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।